अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू मेजर द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ स्पायरोमीटर? इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पायरोमीटर्स। वन इज कॉल्ड ड्राई स्पायरोमीटर व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स, एंड अदर वन इज द वेट स्पायरोमीटर व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर लेबोरेटरी। सो दिस इज द वेट स्पायरोमीटर एंड यू कैन सी a square drum. This is called a spirometer. A square drum that is filled with 9 liters of water and you can see an other chamber that is present inverted over this drum. This inverted chamber is submerged into the water that is present within the spirometer. So we have 9 liters of water, that's why it is called a wet spirometer. And on the left side you can see a scale here, and the range of this scale is from 0 to 9 liters. Along with this scale, we have a pointer, and the pointer contains red colored ink. This pointer moves when this drum moves. This is the drum, and this is called chymograph. The speed of the chymograph should be 3, at number 3. And this is the on-off button of spirogram. This is called the revolving drum, and over this revolving drum we have a graph paper. On the right side we have a rubber tubing, and this rubber tubing contains a mouthpiece. This is called the mouthpiece, which is inserted into the mouth of the subject. Then we have a nasal clamp, right? So this is the whole wet spirometer. What is spirometry? It is a process of measuring the volume of air that moves into and out of the respiratory system. Apparatus which we required for this experiment is wet spirometer, the mouthpiece, this is the mouthpiece, nasal clamp, chymograph, drum with paper, pen and ink, and this is the pen which contains red color ink. So this is the apparatus. And what is the principle of this experiment? The principle is, when the air is exhaled from the lungs, this will cause displacement of the lid of a closed chamber that is partially submerged. When air is inspired or expired, this inspiration or expiration causes the movement of this lid. When we inspire, this lid moves downward. You can see downward movement. And when we expire, this lid will move upward. You can see a zero point and mark it here, zero. And then after marking zero reference point, bring your spirometer upward and then mark a 6 liter point. तो ये है आपका 6 लीटर का पॉइंट, और नीचे था आपके पास 0 लीटर. दिस इज द 0 लीटर पॉइंट एंड दिस इज द 6 लीटर पॉइंट. यू हैव टू काउंट ऑल द स्मॉल स्केयर्स इन दीज टू पॉइंट्स एंड देन ब्रिंग द स्केल बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट. ब्रिंग द स्केल एट पॉइंट 3 लीटर्स पर आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले अपना स्केल सेट करोगे. सो हमने 3 लीटर्स पे अपना स्केल स्टार्ट कर लिया. देन आप सब्जेक्ट से कॉन्सेंट लोगे, इंट्रोड्यूस करवाओगे खुद को और कॉन्सेंट लोगे. सो अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ममूना बात कर रही हूँ. मैं आपका एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी. थोड़ा सा आपको हवा को खींचना है थोड़ा, और हवा को बाहर निकालना है. इससे आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी. तो क्या मैं आपके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ? आप आराम से बैठ जाइए. आपने, हाँ जी, ये आपने नेजल क्लैंप अपने नोज़ पे अटैच कर ले.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस कि आपका जब आपने इंस्पायर और एक्सपायर करना है इनटू दिस रबर ट्यूबिंग, योर नोज शुड बी क्लैम्प्ड योर नोज. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन इज यू हैव टू क्लीन द माउथ पीस यूजिंग एंटीसेप्टिक स्वैब. सो हेयर वी आर क्लीनिंग द माउथ पीस. अब ये माउथ पीस आपने क्लीन कर लिया, इसको फुली इंसर्ट करेंगे ओरल कैविटी में. नाउ वी आर गोइंग टू टर्न ऑन द स्पायरोमीटर काइमोग्राफ. आप नॉर्मल हवा को लेंगे, नॉर्मल आप जैसे ब्रीथ करते हैं, जैसे सांस लेते हैं, आप वैसे ही लेंगे. एंड हियर वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड टाइडल वॉल्यूम्स. अब आप इंस्ट्रक्ट करोगे अपने सब्जेक्ट को कि आप एक गहरा सांस अंदर की तरफ को खींचें, गहरा सांस अंदर की तरफ को. यस, दिस इज आवर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. बस अब आप नॉर्मल सांस लेना शुरू करें. एंड व्हेन देयर विल बी एक्सपायरेशन यू आर गोइंग टू आस्क द सब्जेक्ट टू फोर्सफुली एक्सहेल. अब आप जोर से सांस बाहर निकाल दें. दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब आप सांस को ठीक है, अब आप सांस दोबारा से नॉर्मल लें. नॉर्मल सांस लेंगे आप. अब आप दो से तीन टू टू थ्री टाइम्स आप टाइडल वॉल्यूम को लेंगे. एंड देन अब आप वाइटल कैपेसिटी के लिए सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन देंगे. आपने अब गहरा सांस अंदर खींचना है और उसके साथ ही फोर्स, बहुत फोर्स के साथ आपने सांस बाहर निकालना है. एक दफ़ा सांस खींच के लें अंदर और साथ ही आप सांस खींच के बाहर निकाल दें. बस अब आप नॉर्मल सांस लेंगे. नॉर्मल सांस लें. थैंक यू वेरी मच. यू आर गोइंग टू टर्न ऑफ द स्पायरोमीटर. सब्जेक्ट को आप शुक्रिया कहेंगे. दिस इज द स्पायरोग्राम विच वी ऑब्टेन्ड आफ्टर आवर एक्सपेरिमेंट. हियर यू कैन सी द टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगेन आई हैव मेंशन्ड द टाइडल वॉल्यूम लेबल्ड. And then expiratory reserve volume, and then finally we have vital capacity, which includes both inspiratory reserve volume, tidal volume and expiratory reserve volume. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने बेटे इसमें याद रखनी है कि इस स्पायरोग्राम में जो इंस्पायरेशन है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है. उसके जितने भी हमारी इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यू कैन सी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज गोइंग डाउनवर्ड. एंड जितनी भी इंस्पायरेशंस होंगी वो आपकी डाउनवर्ड होंगी और एक्सपायरेशन will be in the upper side, on the upper side. So here we have tidal volume, inspiratory reserve volume. Again I have labeled the tidal volume, expiratory. You can see the expiratory reserve volume and then vital capacity. Right? Along x-axis, one square is equal to 2.5 seconds. And along y-axis, one square is equal to 207 ml. How we get this 207 ml? In the start of experiment we have labeled a 0 liter point and a 6 liter point. We get this 0 liter point by moving downward the spiro, upper chamber of the spirometer, and we mark it as 0 liter. And then we brought our scale or the upper chamber of the spirometer at 6 liters and then mark 6 liters. And we begin our experiment at 3 liters point, right? So in between these 6 liters we have 29 boxes, 29 squares. Every time you are going to calculate any volume or capacity, you have to measure
द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वेयर्स और द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हियर नंबर ऑफ स्क्वेयर्स एंड मल्टीप्लाई दीज नंबर ऑफ स्क्वेयर्स विद 207 ml and you will get your result. Along x-axis you can see one square is equal to 2.5 seconds. Along y-axis one square is equal to 207 ml. We have 29 squares between 6 liters or 6000 ml. So one square would be equal to 207 ml along y-axis. Now we are going to calculate the tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and vital capacity. And finally respiratory rate and then minute respiratory volume. For tidal volume, I have 2.5 squares. I can show you. In tidal volume, you can see the total number of squares that are covered are the 2.5 squares. We have to multiply this 2.5 with 207. 207 along y-axis, one square is equal to 207 ml. So our final result is 517 ml. The tidal volume in this spirogram, the value is 517 ml. Then the inspiratory reserve volume, we have 9 squares. We have to multiply it with 207 and we will get the result. So this is the result according to our spirogram. Inspiratory reserve volume, you can see here, inspiratory reserve volume. You can also get inspiratory reserve volume from this vital capacity. This is the inspiratory reserve volume. And the number of squares in this inspiratory reserve volume are 9. We multiply this 9 with 207. Then expiratory reserve volume, we have 6 squares. We multiply it with 207 and the result is 1242 ml. This is the expiratory reserve volume. You can also get the value from this vital capacity here, from here to here. We have expiratory reserve volume. We calculate or we counted the number of small squares or the squares and then multiplied it with 207. Finally, vital capacity. Vital capacity includes inspiratory reserve volume, tidal volume and expiratory reserve volume. And the total number of squares in vital capacity, we have 17 squares in vital capacity. And we multiply this 17 with 207 and our vital capacity is 3519 ml. We can also calculate respiratory rate by using this spirogram. For respiratory rate, one small square or the one square along x-axis is equal to 2.5 seconds. Two squares would be equal to 5 seconds. In this spirogram, you can see for one breath, there are two squares. So two squares along x-axis are equal to 5 seconds. Two squares, it means 5 seconds. So in 5 seconds, we have one breath. Then in 60 seconds, we have 12 breaths per minute. According to this spirogram, the respiratory rate of our subject is 12 breaths per minute. We can also calculate minute respiratory volume by this spirogram, and minute respiratory volume is equal to respiratory rate into tidal volume. Our respiratory rate is 12 and tidal volume is 207. We multiplied it and the result is 6.2 liters. So the minute respiratory volume according to this spirogram is 6.2 liters. We cannot measure residual volume or
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बाय यूजिंग स्पायरोमीटर. सो दिस इज द होल पिक्चर ऑफ कैलकुलेशंस. अब आपने बेटे या एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑन पेज नंबर 179 पेज पे आपका एक्सपेरिमेंट है स्पायरोमेट्री. एंड देन आपने जो ब्लैंक पेज है इस पर अपना स्पायरोग्राम बनाओगे, ड्रॉ करोगे, जो कि एक नॉर्मल स्पायरोग्राम है. और इस पेज पर आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे, राइट?